हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आंचल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं बॉडी शेप के बारे में, कैसे हम अपने बॉडी टाइप बॉडी शेप को पहचान सकते हैं। नाउ हम सबको पता है, अगर हम बात करें फैशन की, अगर हमें अच्छा दिखना है अपने कपड़ों में, तो सबसे पहला रूल यही है कि हमें अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए। हम सबको पता है, राइट? बट सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ही यही है कि हमारा बॉडी टाइप क्या है। आई एम श्योर आपको भी ये कन्फ्यूजन होगा। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, बॉडी टाइप के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो मैं एक ये नई सीरीज शुरू कर रही हूं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड जिसमें मैं बॉडी टाइप्स को कैसे डिटरमाइन करना है, क्या बॉडी टाइप है आपका, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं, उसके बारे में मैं शेयर करूंगी। नाउ कमिंग एपिसोड्स में मैं बताऊंगी कि किस बॉडी टाइप के लिए हमें कैसे स्टाइलिंग करनी है। वैसे तो मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस शेयर कर चुकी हूं, बट इस सीरीज में मैं फिर से एक एक करके सभी बॉडी टाइप्स के ऊपर वीडियोस लेकर आऊंगी आपके लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप खुद से कैसे अपनी बॉडी शेप को जान सकते हैं, बॉडी टाइप को जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली एक मेजरिंग टेप चाहिए, जो टेलर्स यूज़ करते हैं ना मेजरिंग टेप आपका साइज़ लेने के लिए, बस वही मेजरिंग टेप हमको यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो आपको फिटेड कपड़े पहनने हैं, बहुत लूज़ कपड़ों में अपना मेजरमेंट नहीं लेना है। एंड नेक्स्ट हमको इनरवेयर वो पहनने हैं जो हम नॉर्मली पहनते हैं। सो सबसे पहले तो हमको अपने शोल्डर्स को मेजर करना है। तो शोल्डर्स में आपको पीछे की तरफ अपने मेजरिंग टेप को लेना है एंड दोनों शोल्डर्स पर ऐसे रखकर मेजर करना है। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इसमें। एंड जो वाइडेस्ट पार्ट है ना आपका, ब्रॉडेस्ट पार्ट है आपके शोल्डर का, उसको मेजर करके नोट डाउन कर लेना है। देन हमको मेजर करना है अपने बर्स्ट एरिया को, बर्स्ट के अराउंड हमको रैप करना है अपनी मेजरिंग टेप को। एंड जो फुलेस्ट पार्ट है उसको मेजर करके नोट डाउन कर लेना है। नाउ अब हमें मेजर करना है वेस्ट को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि नॉर्मली जो हम बॉटम वेयर वगैरह पहनते हैं उसमें हम अपने साइजेस लेते हैं ना, 28, 30, 32, 30, वो जो साइज़ होता है वो हमारे बॉटम वेयर के अकॉर्डिंग होता है, वो हमारी वेस्ट लाइन का साइज़ होता है। बट हमें वो वाला साइज़ नहीं चाहिए, हमें अपनी वेस्ट का सबसे पतला वाला जो पार्ट है हमें उसको मेजर करना है। तो नॉर्मली ये पार्ट हमारी बस्ट लाइन के नीचे एंड बेली बटन के ऊपर, सो जो सबसे पतला वाला नैरोएस्ट पार्ट ऑफ योर वेस्ट हमको मेजर करना है, तो आप उसको मेजर करके नोट डाउन कर लीजिए। एंड नाउ हमको मेजर करना है अपने हिप्स को। अगेन हमें अपने हिप एरिया के अराउंड मेजरिंग टेप को रैप करना है एंड जो फुलेस्ट पार्ट है उसको मेजर करके नोट डाउन कर लेना है। नाउ अब हमारे पास ये चारों मेजरमेंट्स हैं, हमारे शोल्डर्स, बस्ट, हमारी वेस्ट एंड हमारे हिप्स। अब इसके अकॉर्डिंग हम पहचानेंगे कि हमारा बॉडी टाइप क्या है। सो अब आपको अपने मेजरमेंट्स को देखना है कि आपका बस्ट कितना है, आपकी वेस्ट कितनी है, आपके शोल्डर्स कितने हैं, आपके हिप एरिया के मेजरमेंट्स कितने हैं, उसके हिसाब से आपको अपनी बॉडी शेप्स को पहचानना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर ग्लास बॉडी शेप की। तो अगर आपकी बस्ट एंड आपके हिप्स की मेजरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं और आपकी जो वेस्ट है वो काफ़ी कम है मेजरमेंट्स में, काफ़ी वेल डिफाइंड है, काफ़ी पतली है, तो दैट मींस आपकी जो बॉडी शेप है वो आर ग्लास बॉडी शेप है। ये काफ़ी बैलेंस्ड बॉडी शेप है, आपको बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग में इसमें मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ आपको ध्यान देना है अपने स्मॉलेस्ट पार्ट को आपको एक्सेंचुएट करना है, उसको हाईलाइटेड रखना है, तो आप हमेशा यू नो बेस्ट ड्रेस्ड की कैटेगरी में आएंगे। सो यस, जो आपकी वेस्ट है उसको हाईलाइटेड रखिए, जो भी आप पहने आप हमेशा अच्छे दिखेंगे। बाकी हम डिटेल में बात करेंगे जब मैं इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायंगल बॉडी शेप की। तो इस बॉडी शेप में क्या होता है, आपकी जो बस्ट है, आपके शोल्डर्स, आपकी वेस्ट, वो थोड़े से नैरो होते हैं। जो वाइडेस्ट पार्ट है आपकी बॉडी का वो होंगे आपके हिप्स, जो सबसे ज़्यादा वेट जो नोटिस होता है वो आपके हिप्स एंड आपके थाइस पर है। सो इस टाइप की जो बॉडी शेप होती है वो ट्रायंगल और पेयर बॉडी शेप होती है। इस तरह से स्टाइलिंग करनी है कि आपका अपर पार्ट हाईलाइटेड दिखे, क्योंकि आपके जो अपर पार्ट है वो थोड़ा सा नैरो है कंपैरेटिवली टू योर लोअर पार्ट। बेसिकली हमारा जो अपर बॉडी पार्ट है वो थोड़ा सा पतला है एंड लोअर बॉडी पार्ट हमारा थोड़ा सा हैवियर साइड पे है, तो हमें बैलेंस आउट करने के लिए हमें अपर बॉडी पार्ट को थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखाना है, तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है पूरा वो थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा। सो इस तरह से हमें स्टाइलिंग करनी है। वैसे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है डिटेल में पूरी, कि क्या क्या ड्रेसेस हम अपने लिए पहन सकते हैं अगर हमारी बॉडी शेप पियर है, तो आप वो चेकआउट कर लेना। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं फिर से कोई नई वीडियो आपके लिए ज़रूर बना दूंगी। नाउ इसी का ऑपोजिट होता है इन्वर्टेड ट्रायंगल। ट्रायंगल में एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है, लाइक अपर बॉडी पार्ट स्लिम है एंड लोअर बॉडी पार्ट थोड़ा सा हैवियर साइड पे है। एंड इन्वर्टेड में एग्जैक्टली ऑपोजिट है, अपर बॉडी पार्ट हमारा थोड़ा सा हैवियर साइड पे है एंड लोअर बॉडी पार्ट हमारा थोड़ा सा स्लिम है। तो इस टाइप के बॉडी शेप को हम बोलेंगे इन्वर्टेड ट्रायंगल। सो अगर हम मेजरमेंट्स देखेंगे तो हम क्लियरली देख पाएंगे कि जो बर्स्ट है एंड जो शोल्डर्स हैं वो थोड़े से वाइड हैं एंड हिप
जो हैं वो थोड़े से नैरो हैं एंड जो मेनली जो वेट है वो हमारी अपर बॉडी पे पहले नोटिस होता है. सो हमारी अपर बॉडी थोड़ी सी हेवियर साइड पे है एंड जो लोअर बॉडी पार्ट है वो थोड़ा से स्लिम है. सो बेसिकली हमें बैलेंसिंग करने के लिए थोड़ा सा अपने लेग्स को हाइलाइटेड दिखाना होता है या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इस तरह के कपड़े पहनने हैं जिसमें हमारा अपर बॉडी पार्ट थोड़ा सा स्लिम दिखे एंड लोअर बॉडी पार्ट थोड़ा सा हैवी दिखे. तो फ्लेयर्ड स्कर्ट या फिर फ्लेयर्ड पैंट्स, सो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे डिटेल में अपनी सेपरेट वीडियो में. नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टेंगल बॉडी शेप की. तो रेक्टेंगल बॉडी शेप में आपका वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कोई कर्व्स नहीं होते आपकी बॉडी में एंड जो आपकी बस्ट है, शोल्डर है, वेस्ट एंड हिप्स ऑलमोस्ट सबका सेम ही मेजरमेंट होता है. तो एक रेक्टेंगल टाइप फिगर बन के आती है. सो दिस इज रेक्टेंगल बॉडी शेप. एंड अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी होंगे तो आपका बॉडी शेप ये हो सकता है रेक्टेंगल. सो यहाँ पर जो हमको स्टाइलिंग का ध्यान देना है वो है कि हमको थोड़ा सा बैलेंस दिखाने के लिए अपनी बॉडी को हमें अब थोड़े से कर्व्स ऐड करने हैं. अपनी कमर को हम थोड़ा सा पतला दिखाएंगे एंड अपने शोल्डर्स को एंड अपने हिप्स को थोड़ा सा हमें वाइड दिखाना है. तो इस तरह से हमें स्टाइलिंग करनी है. मैंने एक वीडियो की है ऑलरेडी, अगर आप मेरी एक वीडियो देखेंगे हाउ टू स्टाइल इफ़ यू आर अ स्किनी गर्ल, तो वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है रेक्टेंगल बॉडी शेप वालों के लिए क्योंकि मैंने वहाँ पर काफ़ी डिटेल में बात की है सभी ड्रेसेस के बारे में. तो आप वो वीडियो देख सकते हैं या फिर अलग से अगर आपको चाहिए कोई वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं अलग से भी वीडियो बना दूँ. सो नेक्स्ट है एप्पल बॉडी शेप. एप्पल बॉडी शेप में क्या होता है, आपकी जो बस्ट एरिया है वो थोड़ा सा हेवियर साइड पे है, आपकी जो टमी एरिया है, वेस्ट है आपकी वो डिफाइंड नहीं है एंड द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज योर वेस्ट. अगर आपकी वेस्ट सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट है आपकी बॉडी का, दैट मीन्स आपका जो बॉडी शेप है वो एप्पल है. आपका जो हिप एरिया है वो थोड़ा सा नैरो होगा इस केस में कंपेरेटिवली टू योर बस्ट एंड टू योर वेस्ट. आपका हिप एरिया थोड़ा सा पतला होगा एंड अपर बॉडी एंड आपका टमी एरिया थोड़ा सा हेवियर साइड पे होगा. तो इस टाइप की जो बॉडी होती है वो बॉडी वो एप्पल बॉडी शेप होती है. सो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी. वैसे मैं सेपरेटली इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी. जो मैंने वीडियो बनाई थी वो शॉर्ट हाइटेड और प्लस साइज़ वालों के लिए है, बट काफ़ी हद तक उसकी स्टाइलिंग सिमिलर ही है एप्पल बॉडी शेप से. तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी ही, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं. तो ये हैं सारे बॉडी टाइप्स एंड कुछ पॉइंट्स जिनके थ्रू आप यू नो पहचान सकते हैं कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आपका बॉडी शेप क्या है. एंड आपका जो बॉडी टाइप है ना, बॉडी शेप है, ये डिपेंड करता है आपके बोन स्ट्रक्चर पे, ना कि आपके वेट पे. आपका जो वेट है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवरऑल, उस पर डिपेंड करता है कि आपका बॉडी टाइप क्या है. फिर आपका वेट कुछ भी हो सकता है. एंड यस, वेट तो आप अपना कंट्रोल कर ही सकते हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा और टोन्ड दिखा सकते हैं, तो उसके ऊपर तो आप डेफिनेटली वर्क कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप अपने बॉडी टाइप को या फिर बॉडी शेप को टोटली चेंज कर सकते हैं, बट यस, थोड़ा बहुत आप उस पर वर्क कर सकते हैं अपने वेट को कंट्रोल करके, अपनी डाइट पे, अपने एक्सरसाइजेस पे फोकस करके. सो यस, डेफिनेटली आप थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्टेड. बट यस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिस बॉडी टाइप इज़ बेस्ट, दिस बॉडी टाइप इज़ वर्स्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट डिपेंड्स हाउ यू स्टाइल योर बॉडी शेप, राइट. आप अपनी ड्रेसिंग के थ्रू बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं. इट्स ऑल डिपेंड हाउ यू बैलेंस आउट. आप किस तरह से बैलेंसिंग कर रहे हैं अपने कपड़ों को, किस तरह से स्टाइल कर रहे हैं ओवरऑल अपनी बॉडी फिगर को, यू नो, थोड़ा सा बैलेंस दिखाने में. एंड यस, आप कुछ भी कपड़े पहन सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ये बॉडी टाइप है तो ये कपड़े नहीं पहनने, ये बॉडी टाइप है तो ये कपड़े नहीं पहनने. आप सब कुछ पहन सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा आपको स्टाइलिंग पर, डिटेलिंग पर ध्यान देना है, जो आगे मैं अपनी कमिंग वीडियोस में बात करूंगी. एक एक बॉडी टाइप को लेकर चलते हैं एंड एक एक करके वीडियोस बनाते हैं. तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं सबसे पहले किस बॉडी टाइप के ऊपर वीडियो बनाऊं. वैसे मैंने एक दो वीडियोस बनाई हुई हैं पेयर बॉडी शेप के ऊपर, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है. एंड वैसे मैंने स्किनी गर्ल्स के लिए एंड थोड़े से प्लस साइज़ वालों के लिए भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं. एंड और भी कोई अगर आपके सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं किस पर पहले वीडियो बनाऊं और इससे रिलेटेड क्या मैं वीडियो बना सकती हूँ, बॉडी टाइप या बॉडी शेप के अकॉर्डिंग कुछ भी. आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना. एंड यस, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ इसको थम्स अप देना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना. एंड और भी अपडेट्स लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा आईडी है माया ऑलिव ट्रंक. सो चलिए, मिलती हूँ आपको जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में. कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर. बाय.